मीरप कुकिंग में वेलकम। आज हम मीरप कुकिंग में आपके लिए लेके आए हैं तवा चिकन, वो भी ढाबा स्टाइल में। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले आइए बनाना स्टार्ट करते हैं तवा चिकन। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैंने लिया है, एक बाउल जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ, 1 कप योगर्ट है मेरे पास। इसके बाद मैं ऐड करूंगी लेमन जूस जो मैंने लिया है, 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून ही मैं ले रही हूँ। जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून साल्ट, 1 टेबलस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, और ये है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। डाल के इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये है मेरे पास चिकन के थाई के पीस, जिसको मैंने डीप डीप जो है कट्स लगा लिए हैं। अब हम इस मिक्सचर के अंदर इनको करेंगे मैरिनेट। अच्छी तरह इनको इसके अंदर डिप कर दें ताकि जो हमने मिक्सर बनाया है वो कट्स में अच्छी तरह जा सके। मैं 30 मिनट्स के लिए इसको कवर करके रख दूंगी। थर्टी मिनट्स के बाद मैंने लिया है तवा, ये नॉन स्टिक नहीं है मेरे पास, ये लोहे का है, क्योंकि इसका जो असल टेस्ट है वो इसी तरह ही आएगा। इसमें मैंने डाला है सबसे पहले अनियन जो मैंने 2 बिग साइज़ के लिए हैं, और ये है मेरे पास टमाटर, ये भी मैंने 2 लिए हैं बिग साइज़ के। अब मैं ऐड करूँगी 1 ग्लास वाटर, ताकि जो अनियन और जो टमाटर है अच्छी तरह गल जाए। मैं बिल्कुल आपको एक डिफरेंट स्टाइल से, ढाबा स्टाइल से आपको बनाना सिखा रही हूँ। आपने इसको कवर करके 5 मिनट्स के लिए रख देना है ताकि जो अनियन और टमाटर है वो अच्छी तरह गल जाए। 5 मिनट्स के बाद ये देखिए टमाटर भी गल गया है और जो हमने अनियन डाला था वो भी गल चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/2 कप जो है ऑयल का, ताकि ये जो अनियन और टमाटर है हम इसको अच्छी तरह भून सकें। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। मसाला जो है अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन के जो थाई के पीस हैं जो हमने योगर्ट वाले मिक्सचर में डिप करके रखे थे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ये 1/2 kg से ज़्यादा बनते हैं दोनों पीसेस, और जो बाकी मसाला नीचे बच गया है वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। थोड़ा सा जो वाटर है मैं उसके अंदर डाल के, वो भी ताकि जो हमने सारे स्पाइसेस वगैरह डाले हैं वो वेस्ट ना हो। इस तरह थोड़ा सा 4 टेबलस्पून वाटर जो डाल के वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। फ्लेम को मीडियम पे रखें। हमने चिकन को 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट भी किया था, अब कवर करके मैं इसको 10 मिनट्स के लिए रख दूंगी। 10 मिनट्स के बाद ये देखें ये जो चिकन है कितना अच्छी तरह कुक हो रहा है। हम इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि दोनों साइडों से अच्छी तरह पक जाए। और जो ग्रेवी है वो भी अच्छी तरह पक जाए। थोड़ी
थोड़ी देर के लिए दूसरी, तकरीबन 5 मिनट्स के लिए दूसरी साइड से पकाएं। अब मैं ऐड करूंगी ग्रीन जो चिली है वो, ये देखिए ये जो नीचे मसाला है वो कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है, बहुत ही मज़े का ये जो तवा चिकन है ये बनता है। बिल्कुल हम इसको ढाबा स्टाइल पे ही हम इसको सर्व करेंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, एंड में मैं रखूंगी कुछ टमाटर, इसी के अंदर हम सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। मीरप कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। कुछ अनियन और लेमन के साथ और टमाटर के साथ मैंने इसको गार्निश किया है। आई होप कि ये जो मेरी रेसिपी है आपको बहुत पसंद आई होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।